हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे बजट पल्सर NS 200 के लिए। देखो NS 200 पर बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट पे अपडेट एंड चेंजेस के साथ रिलॉन्च किया जाएगा, क्योंकि NS 200 2014 से चलता हुआ आ रहा है, अभी तक इस पर कोई भी अपडेट एंड चेंजेस नहीं है। बट बहुत ही जल्दी आपको अपडेट एंड चेंजेस देखने को मिल जाएगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या क्या फीचर्स होगा, क्योंकि बाइक्स के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे क्या क्या चेंजेस अपडेट आपको दिया जाएगा, माइलेज क्या होगा, बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाला है एंड कौन सी बाइक के साथ इसका कंपटीशन होने वाला है। सो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू 05 राइडर एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, 2014 से NS 200 चलता हुआ आ रहे, अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट एंड चेंजेस नहीं होने के बाद भी बाइक की सेल कभी डाउन नहीं हुआ है, यानी कि बाइक की जो लुक से जो पावर है उसकी वजह से बाइक हमेशा टॉप पर रहता है। आप एक बार सोच कर देखो इसके ऊपर अगर अपडेट एंड चेंजेस आ जाता है सो बाइक कितनी ज्यादा सेल होगा। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ आपको कौन से अपडेट यहाँ पर न्यू एड होगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्रंट साइड से। इसकी जो फ्रंट है NS 200 की, फ्रंट पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की जगह USD सस्पेंशन ऑफर किया जाएगा जो 41 mm के होगा, यानी कि KTM Duke 200 पर जो USD सस्पेंशन आता है वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि KTM की जो भी पार्ट से वो बजाज पर अवेलेबल हो जाता है। बात करते हैं फ्रंट टायर की, तो फ्रंट टायर यहाँ पर चेंज होने वाला है। 110 सेक्शन का फ्रंट टायर आपका ऑफर किया जाएगा 300 mm डिस्प्लेट के साथ एंड रियर पर आपको 230 mm डिस्प्लेट एंड रियर की जो टायर है वो काफी फैट होने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर 140 सेक्शन का टायर आपको ऑफर किया जाएगा। अब बात करते हैं ओवरऑल लुक्स के बारे में। सो बजाज पल्सर NS 200 की जो फ्रंट पर हैलोजिन हिटलैम्प आता था वो अब बदल के LED प्रोजेक्टर हिटलैम्प आपको ऑफर किया जाएगा। जितने भी इंडिकेटर आपको ऑफर किया जाता था वो अब LED के साथ आने वाला है। बाइक पर आपको स्लीपर क्लच क्विक सेटअप की ऑप्शन भी आपको अवेलेबल किया दिया जाएगा एंड इस बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग स्लॉट भी ऑफर किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बाइक की इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की। सो इंजन में आपको कोई भी डिफरेंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि पहले जो इंजन आपको ऑफर किया जाता था वही सेम टू सेम इंजन आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, जैसे कि 24.5 bhp पावर 200cc का इंजन, सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, फोर वाल्व के वही सेम टू सेम इंजन आपको यहां पर भी ऑफर किया जाएगा। आप बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में। मीटर कंसोल बिल्कुल चेंज होने वाला है। यहां पर आपको दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की फीचर्स ऑफर किया जाएगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, रियल टाइम माइलेज, टॉप स्पीड कोडर, डेट टाइम वगैरह, बहुत ही फीचर्स फुल होने वाला है मीटर कंसोल एंड USB चार्जिंग स्लॉट के साथ आपको स्लीपर क्लच, आपको यहाँ पर क्विक शिफ्टर भी ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है एंड जो इंफिनिटी डिस्प्ले आता है N250 F250 पर वही डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है NS 200 पर। बाइक की लुक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बाइक पर आपको USD सस्पेंशन, 140 सेक्शन का टायर, स्लीपर क्लच के ऑप्शन भी एड हो चुका है। बाइक बहुत ही ज्यादा शानदार एंड एग्रेसिव होने वाला है पहले से भी। सो आप एक बार सोच कर देखो NS 200 का सेल कभी डाउन नहीं हुआ है, बट इसके ऊपर अगर इतनी ज्यादा अपडेट एंड चेंजेस आ जाता है सो कोई बाइक क्या इसके आसपास भी लग पाएगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।